नमस्ते बच्चों, आज हम गैफी और उसकी माँ फैनी की कहानी द्वारा 20 तक बिना हासिल के जोड़ करना सीखेंगे। गैफी की माँ आज टमाटर की सब्जी बना रही है। उसके पास दो टोकरियों में टमाटर हैं। एक टोकरी में उसके पास 11 टमाटर हैं और दूसरी टोकरी में उसके पास 7 टमाटर हैं। उसके पास कुल कितने टमाटर हैं? इसका हल ढूंढने के लिए हमें 11 में 7 जोड़ने होंगे। पहले हम इस तरह से दोनों संख्याओं को खड़े जोड़ के रूप में लिखेंगे, फिर हम इकाई में लिखी संख्याओं को जोड़ेंगे। 1 में 7 जोड़ हो गए 8। इसे हम यहाँ इकाई के भाग में लिखेंगे। अब हम दहाई में लिखी संख्याओं को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 1 है, इसीलिए हम दहाई के भाग के नीचे 1 लिखेंगे। इस तरह 11 में 7 जोड़ हो गए 18। गैफी की माँ के पास कुल 18 टमाटर हैं। गैफी की माँ अब जानना चाहती है कि उनके घर में सब्जी परोसने के लिए कितने कटोरे हैं। उसने कहा, हमारे घर में 13 पीले और 6 नीले कटोरे हैं। गैफी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हमारे पास कुल कितने कटोरे हैं? माँ, इसका हल ढूंढने के लिए 13 में 7 जोड़ने होंगे। पहले हम इस तरह से दोनों संख्याओं को खड़े जोड़ के रूप में लिखेंगे, फिर हम इकाई वाले भाग में लिखी संख्याओं को जोड़ेंगे। 3 में 6 जोड़ हो गए 9। इसे मैं इकाई वाले भाग के नीचे यहाँ लिख लेती हूँ। इसके बाद मैं दहाई भाग में लिखी संख्याओं को जोड़ूंगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 1 है, तो मैं दहाई के भाग के नीचे 1 लिख लेती हूँ। इस तरह 13 में 6 जोड़ हो गए 19। माँ, हमारे पास कुल 19 कटोरे हैं। अब बच्चों, दो संख्याओं को जोड़ने की आपकी बारी है। गैफी की माँ स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। वो नींबू का अचार बनाना चाहती हैं। उनके पास एक टोकरी में 12 नींबू और दूसरी टोकरी में 5 नींबू हैं। अचार बनाने के लिए उनके पास कुल कितने नींबू हैं? उत्तर खोजें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 20 तक बिना हासिल के जोड़ करना सीखा।